जनरली क्या होता है कि हम गेट और टेक के मीनिंग में यूज़ करने में हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कहाँ पे गेट का यूज़ करें और कहाँ पे टेक का यूज़ करें। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, इसका कुछ का कुछ सेंटेंस बन जाता है। आपको बता दें कि गेट और टेक दोनों, गेट का मतलब अगर हम देखा जाए एक प्रकार से होता है कोई चीज़ मिलना, यानी किसी ने कोई चीज़ दी है आपको, और टेक मीन्स होता है कोई चीज़ आपने ली है। जैसे आई गेट, आई गॉट अ बुक, जैसे मैं इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करूँगा, गेट का होता है गॉट, टेक का होगा टुक। तो जैसे आपने एक सेंटेंस यूज किया, आई गॉट अ बुक, आई गॉट अ बुक का मतलब होता है कि आपको किसी ने बुक दी है। मतलब जैसे मान लो आपका फ्रेंड है या आपका कोई भी बंदा है, उसने आपको, मतलब यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, तो गॉट क्या, यहाँ पे क्या होगा, आपने, अगर आपको किसी ने कोई बुक दी, जैसे यू गॉट अ बुक, मतलब आपको किसी ने बुक दी, अगर आप यहाँ यूज करते हैं आई टुक अ बुक, आई टुक अ बुक का मतलब होता है कि आपने ये बुक अपने आप से ली, खुद ने ही ले ली, या तो किसी की परमिशन से लिया विदाउट परमिशन। मींस इसका मतलब है कि आई टुक अ बुक, मतलब आपने जैसे गए होंगे, आपने बोला क्या मैं बुक ले लूँ, तो उसने कहा यस, तो आपने वहाँ से बुक ले ली, तो ये हो जाएगा आई टुक अ बुक। या फिर आपने किसी की परमिशन ही नहीं ली, मतलब ये चोरी वाले सेंस में आ सकता है कि आपने बिना किसी परमिशन के ऐसे ही उठा ली, तो आई टुक अ बुक। तो अगर जैसे आप जनरली आप यूज़ करते हैं आई टुक अ बुक, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने बुक चोरी की है। जैसे आई टुक अ बुक, तो आप समझ रहे होंगे टेक का यूज करते हैं वहां पर जहां पे आप या तो किसी की परमिशन लेते हैं विदाउट परमिशन, अपने आप ही वो चीज लेते हैं। और गेट का यूज कब करते हैं, जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं। जैसे मैं इसकी जगह यूज करूं आई गॉट मनी, आई गॉट मनी का मतलब ये हो जाएगा कि आपको किसी ने पैसे दिए। जैसे आपने बोला हाँ यस आई गॉट इट, आई गॉट मनी, तो अगर आपने यहां पे यूज करा आई टुक मनी, I took money का मतलब कि हाँ मैंने पैसे ले लिए। अब वो किसी की परमिशन से भी ले सकते हैं आप, या फिर आप विदाउट परमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपने खुद ने ही, खुद से ही आपने पैसे लिए। और I got money मतलब आपको किसी ने पैसा दिया, I got money इसका मतलब आपको पैसे किसी ने दिए, और I took money मीन्स आपने खुद ने ही पैसे लिए, या तो परमिशन के थ्रू या विदाउट। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने बोला कि आप वहाँ से पैसे ले लेना, तो आप ऐसे वो कंफर्म करेंगे कि बेटा आपने पैसे ले ली, तो यस कहेंगे यस आई टुक द मनी, है ना। और अगर मान लो कि मम्मी आपको खुद ही पैसा देंगी, बेटा ये लो, तो आप कहेंगे आई गॉट अ मनी, आई गॉट मनी, आई गॉट मनी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है गेट और टेक में। जैसे कि आपने यूज़ करा आई गॉट कार, मतलब ये है कि आपने जो कार ली है किसी, आपको किसी ने कार दी है, मतलब आपने परचेज की है। जैसे आप शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने कार खरीदी, तो आई गॉट कार, आई गॉट अ कार, आई गॉट अ कार, लेकिन ये हो जाएगी आई टुक अ कार। तो इसमें यहाँ पे टुक वाले में क्या सेंस निकलेगा, ये सेंस निकलेगा आपने खुद से ही कार कहीं से ली है, मतलब खुद ने ही उठा ली, या फिर किसी की परमिशन से, किसी से उधारी में ली हुई है। जैसे आई ठोका कार, जैसे आप किसी से परमिशन लेके उसकी कार यूज़ कर रहे हैं, तो आई ठोका कार। और आपको अगर शोरूम से परचेज किया, कहीं से भी आपने ली है किसी से, तो आप कहेंगे आई गॉट अ कार। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था कि जस्ट गेट और टुक में क्या डिफरेंस है। गेट मतलब ये होता है कि जब कोई आपको कोई चीज़ दे रहा होता है, और टुक में से होता है आप खुद ही ले लेते हैं परमिशन और विदाउट परमिशन। सो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।